हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊं 4000 इजेंशियल इंग्लिश वर्ड जो बहुत ही आवश्यक हैं। अगर आपके 4000 वर्ड क्लियर हो जाते हैं तो आप किसी भी इंग्लिश के पेपर में मात नहीं खाएंगे, जो भी कॉम्पिटिशन लेवल का होगा। इवन ये आपके प्लस टू और टेंथ के लिए भी बहुत काम के होंगे। ये हमारी टेंथ वीडियो है, लगातार आपको 10 वीडियो दे चुके हैं और एक वीडियो के हमारे 5 पार्ट होते हैं। 5 वर्ड्स, 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम, 5 इडियम, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमने आपको बताया आपको डेली ये 5 वर्ड याद करने हैं और इनको लिख के देखना है। तो शुरुआत करते हैं आज के इडियम्स की। पहला इडियम है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, यानी रैपिडली, बहुत अधिक, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। नाउ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स। अब इंडिया बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है जल्दी जल्दी, लीप होता है फुदकना, जल्दी जल्दी, रैपिडली बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए और इसका यूज भी करना आना चाहिए। नेक्स्ट है कॉल ए स्पेड ए स्पेड। जो ये स्पेड वर्ड है, ये जो है ताश के पत्तों में माना जाता है। ताश के पत्तों में चिड़िया होती है कलब, डायमंड होता है ईंट, और ऐसे स्पेड, स्पेड बोलते हैं हुकुम को, और एक होता है हार्ट जो दिल वाला होता है। तो इस तरह 4 पत्तों के नाम होते हैं। दोबारा मैं बता देता हूं, चिड़िया वाले को बोलते हैं कलब, हुकुम वाले को बोलते हैं स्पेड, ईंट वाले पत्ते को बोलते हैं डायमंड, और दिल वाले पत्ते को बोलते हैं हार्ट। ये चारों पत्ते इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, वहीं से ये डेराइव्ड है। कॉल ए स्पेड, हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का, यानी कि साफ साफ कहना, बिल्कुल साफ साफ कहना, हुकुम बजाना, टू स्पीक प्लेनली। ए करेजियस पर्सन इज एवर विलिंग टू कॉल स्पेड ए स्पेड। जो साहसी आदमी होता है वो हमेशा साफ साफ बोलता है, किसी से घबराता नहीं और साफ साफ शब्दों में साफ साफ बात बयान कर देता है। नेक्स्ट इडियम है कॉल इन क्वेश्चन, पुट ऑब्जेक्शन। कॉल इन क्वेश्चन, क्वेश्चन को कॉल करना, यानी एतराज करना, ऑब्जेक्ट करना। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब है पुट ऑब्जेक्शन। इसका यूज देखिए, यू हैव नो राइट टू कॉल इन क्वेश्चन माई ओनरशिप एज द हाउस इज माई। यहां पे आपका कोई अधिकार ही नहीं है एतराज करने का, क्योंकि इस मकान का मालिक तो मैं ही हूं। कॉल इन क्वेश्चन यानी एतराज करना। और अगला इडियम्स है कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है बी विक्टोरियस, विजयी होना, सफल होना। कैरी द डे, डे को कैरी कर लिया, विजयी हो गए। इंडिया कैरीड द डे एज न्यूजीलैंड लॉस्ट द मैच। इंडिया आज विजयी हो गया, सफल हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड को उसने मैच में हरा दिया। नेक्स्ट है कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब है इनफ्लेक्सिबल, अपरिवर्तनीय। रूल्स ऑफ ग्रामर आर कट एंड ड्राइड, रूल ऑफ ग्रामर आर कट एंड ड्राई। जो ग्रामर के रूल होते हैं वो कट एंड ड्राई हैं, अपरिवर्तनीय है। इज की जगह आर, आर की जगह इज नहीं लगा सकते, फिक्स है। फेमिनिन नाउन फिक्स है, मैस्कुलिन नाउन फिक्स है, ग्रामर के रूल फिक्स होते हैं। कट एंड ड्राइड, कट गए और सूख गए। जैसे हम सेब को काट दें और वो सूख जाए तो वो अपरिवर्तित रहता है। तो कट एंड ड्राइड का मतलब इनफ्लेक्सिबल। इस तरह से आपको 5 वर्ड याद करने होते हैं। एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देता हूं ये वर्ड, ताकि आपको ये सारे के सारे इडियम्स अच्छी तरह से याद हो जाए। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब रैपिडली, कॉल स्पेड स्पेड का मतलब टू स्पीक प्लेनली, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब पुट ऑब्जेक्शन, कैरी द डे का मतलब है सफल होना, कट एंड ड्राइड का मतलब इनफ्लेक्सिबल, अपरिवर्तनीय। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, ये टेक्निक हमारे सर, हमारे प्रिंसिपल सर बीडी वैस ने हमें सिखाई थी। ये बात 1989-90 की है, आज से 28-29 साल पहले की। हम जब सर से 12th क्लास में ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो वो ये कहा करते थे, बेटा आप इधर के 5 वर्ड कॉपी में लिख के लाओ और जो इधर का मीनिंग है ये आप मेरे सामने लिख के दिखाओ। इस तरह से ही हमारे टोटल 25 वर्ड हो जाते थे जो हम लिख के ले जाते थे किताब में से उतार के। और आपके लिए मैंने ये नोट्स दे दिए हैं, आपको ये 5 वीडियो मिलती है तो डेली का आप टारगेट बनाएं। #1 #2 से शुरू करके आप पीछे की ओर जाएंगे तो आपको ये ग्रामर में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको मेरा फोल्डर मिल जाएगा इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी का, वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की आपको PDF भी मिल जाएगी। और इधर लेफ्ट वाले वर्ड लिख के ले जाया करें और राइट वाले वर्ड किसी के सामने लिख करें। जैसे आप अपने मम्मी पापा के सामने, बड़े भाई के सामने, दोस्त के सामने, किसी के सामने भी लिख सकते हैं। एक दो दोस्त ऐसे जरूर बनाएं जिनके साथ आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर पाए। ए टू जेड करियर्स की प्लेलिस्ट में इस तरह की आपको नई नई टेक्निक मिलेंगी जो कहीं भी नहीं मिलेंगी। ए टू जेड, ए न्यूमरिक वाला 2 और जेड, ए टू जेड करियर्स
चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दें, बेल वाला आइकन भी दबा दें। जिस भी बंदे ने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया वो 100% सक्सेस हुआ है कॉम्पिटिशन में, इट इज श्योरिटी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप देखेंगे आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा और आप जरूर सफल हो जाएंगे। A to Z career is always with you. God bless you all the success in your life. My name is Dr. Kumar Puneet Goyal. You can follow me on Facebook and Instagram. Even you can write your problems related to studies on my WhatsApp number, which is given in the description box. I will try to give you some solution for your problems. Thank you very much for watching my video. Milte hain kal ek nayi video ke saath. Tab tak ke liye bye.